गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को संगीत विषय पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। संगीत विषय का यह हमारा पहला वीडियो है, अर्थात पहला क्लास है। इसलिए इस पहले क्लास में सर्वप्रथम आप सभी को हम संगीत का सिलेबस बताएंगे, ठीक है। यदि आप संगीत विषय लिए हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आज आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो को आज आप पूरा नहीं दिखेगा तो काफ़ी ज़्यादा संगीत विषय में आपको कठिनाई देखने को मिलेगा, ठीक है। संगीत छोड़कर के आपका कोई भी विषय हो, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, मनोविज्ञान हो या गृह विज्ञान हो, तो प्यारे बच्चों उसका सिलेबस आसानी से आपको मिल जाएगा, उसका बुक आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जो संगीत है, संगीत का जो सिलेबस है, सही सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलेगा, पहला कारण। दूसरा, संगीत विषय का बुक भी, एक अच्छा बुक भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और तीसरा, संगीत के शिक्षक भी आपको YouTube पर नहीं के बराबर मिलेंगे। चौथा प्रश्न यह हो जाता है कि संगीत में आपको बिहार बोर्ड से एग्जाम देना है, तो बिहार बोर्ड में किस प्रकार से संगीत के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अंक के पूछे जाते हैं, तो प्यारे बच्चों आज मैं सिर्फ इसकी चर्चा करूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ सिलेबस की भी चर्चा करूंगा कि आपको संगीत में क्या क्या पढ़ना है, कौन सी बुक आपको लेना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है संगीत, अर्थात म्यूजिक, ठीक है। संगीत, प्यारे बच्चों देखिए, जो संगीत का सिलेबस है उस सिलेबस को मैं पीडीएफ फाइल, इस प्रकार का आपका पीडीएफ फाइल में जो बच्चे पेड कोर्स में है उसे मैं दे दूंगा, ठीक है। जो बच्चे पेड कोर्स में नहीं है वे बच्चे आज कॉपी में लिख ले, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको बिहार बोर्ड का सिलेबस है, ठीक है। क्योंकि संगीत आप जो विषय लिए हैं कक्षा 12वीं में, आपको तो बिहार बोर्ड में एग्जाम देना है। तो सर्वप्रथम हम लोग बात कर लेते हैं संगीत का। पहले क्या होता था कि संगीत में 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, जबकि 30 नंबर का थ्योरी होता है। अब उसका उल्टा हो गया, अब जो है 70 नंबर का थ्योरी होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। अर्थात बोर्ड में आपको 70 नंबर के एग्जाम देने हैं और जो प्रैक्टिकल है वो 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है, समझ गए। सर्वप्रथम इसकी सिलेबस की बात करें तो प्यारे बच्चों इसका जो सिलेबस है, हिंदी में कहें तो विषय सूची, ठीक है, ठीक है। यदि आपने पेड कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो आपको ये पीडीएफ फाइल सिलेबस का मिल जाएगा। प्यारे बच्चों आपको कहना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को नहीं ज्वाइन कर रखे हैं तो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का पांचों विषय का प्यारे बच्चों आपको 1500 रुपये लग रहे हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारे इस नंबर पर कॉल करना, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52, इस नंबर पे कॉल करना है और कॉल करके जान लेना है पेड कोर्स के बारे में, ठीक है, जिसमें पेड कोर्स के लिए पांचों सब्जेक्ट का 1500 रुपये लगेंगे, जिसमें प्यारे बच्चे आपको चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, 2023 एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज MVVI प्रश्न बताए जाएंगे। यदि आप पढ़ने में कमजोर हैं तो चैप्टर वाइज सिर्फ MVVI ही पढ़ते चलिएगा, तो आपका जो नंबर है तो बेहद आसानी से 70% आपको प्यारे बच्चों चली आएगा। सिलेबस को अक्टूबर तक समाप्त करके निःशुल्क गैस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 70 150 45 12, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं जो आपको संगीत पढ़ाऊंगा वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग में पढ़ाऊंगा। मैं बिहार बोर्ड को एनालिसिस करते हुए जो भी टॉपिक बनता है वह टॉपिक मैं आपको लिखाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपका प्यारे बच्चों इसका विषय सूची आ जाता है, तो पहला आ जाता है संगीत, ठीक है, संगीत।
अब संगीत के ये जो अंदर आपको प्यारे बच्चों क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे संगीत की परिभाषा, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मन है तो लिख लीजिए, संगीत की परिभाषा, उसके बाद पद्धति परिभाषा, ठीक है, पद्धतियाँ, ठीक है, संगीत के रूप, ठीक है, संगीत के रूप, कोमा, संगीत के प्रकार, ठीक है, संगीत के पक्ष, ठीक है, उसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा ध्वनि, ध्वनि पढ़ना है, नाद पढ़ना है, श्रुति पढ़ना है, ठीक है, स्वर पढ़ना है, सप्तक पढ़ना है, थाट पढ़ना है, राग पढ़ना है, राग की जाति पढ़ना है, वर्ण हो गया, अलंकार हो गए, ठीक है। उसी प्रकार ये आपको जाते हुए सीधे आपको जाएगा मूर्छना तक जाएगा, ठीक है, इस प्रकार आपको पूरा जाएगा। नेक्स्ट आपको जो दूसरा पॉइंट आपको आता है, मैं शॉर्ट कट में ही बस पॉइंट लिख करके आपको दे देता हूं, यदि आप पूरा लेना चाहते हैं तो पेड कोर्स आपको ज्वाइन करना पड़ जाएगा। स्वर है, स्वर लिपि, पद्धति, पद्धतियां, ठीक है, तीसरा है हिंदुस्तानी संगीत, ठीक है, चौथा है गायन शैलियां, ठीक है, पांचवा है राग का वर्गीकरण, वर्गीकरण, छठा है रागों का समय, रागों का समय सिद्धांत, सिद्धांत, सातवां है धराना, धराना, आठवां है संगीत में नई प्रवृत्ति, संगीत में नई प्रवृत्ति, नौवां है वाद परिचय, वाद परिचय, ठीक है, दस है लय और ताल, लय और ताल, ग्यारह है जीवन परिचय, जीवन परिचय एवं संगीत के क्षेत्र में योगदान, योगदान, बारह है अलंकार, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, इतना ही पढ़िएगा आपका पूरा सिलेबस बिहार बोर्ड का संगीत का समाप्त हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। संगीत में आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना है, संगीत में चैप्टर वाइज प्यारे बच्चों आपको नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना है, बस आपको टॉपिक रहता है, आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना है, ठीक है,
इन्हीं से आपको प्रश्न बहुत सारा बनेंगे, लघु में बनेंगे, दीर्घ में बनेंगे, जो कि मैं आपको काफ़ी अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। चूँकि प्यारे बच्चों संगीत का सिलेबस छोटा है, इसलिए सर्वप्रथम आर्ट्स में सबसे पहले आपका संगीत का ही जो सिलेबस है वो सिलेबस समाप्त हो जाएगा। यदि मैं इसे सप्ताह में दो दिन भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाऊँ तो इसका सिलेबस जून में बेहद आसानी से समाप्त हो जाएगा। हंसते खेलते जून में इसका सिलेबस समाप्त हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज आप जो संगीत है, संगीत का, ठीक है, सिलेबस यानी विषय सूची जान गए हैं। आपको संगीत में क्या पढ़ना है, संगीत में 70 नंबर के एग्जाम बोर्ड में देना है, जबकि 30 नंबर का आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। इस 70 नंबर में से आपको, ठीक है, लघु प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे, 10 लघु बनाना है, 10 बनाना है तो 2 नंबर का, इसलिए 20 नंबर का लघु रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, और 15 नंबर का दीर्घ आपको रहेगा, ठीक है। 3 दीर्घ बनाना है, 5 नंबर का रहेगा, 5 × 3 = 15, और 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो 35 हो गए 70 नंबर हो गए, समझ गए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे, पहले पॉइंट पर जोर देंगे, ठीक है। ये जो हमारा पहला पॉइंट है संगीत, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग संगीत को देखेंगे, संगीत की परिभाषा को जानेंगे, ठीक है, पद्धतियां को देखेंगे, इनके रूप को देखेंगे, प्रकार पक्ष को देखेंगे। इतना एक वीडियो में प्यारे बच्चे हम आपको समाप्त कर देंगे, समझाने का कार्य होगा उसको समाप्त कर देंगे। उसके बाद यदि आपने पेड कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो अवश्य रूप से ज्वाइन कर ले। हमारा नंबर है 70 150 45 52, पूरे साल भर का, मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं, 5 विषय के लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा फी आपको नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।